गोकुलदास सिंधु गर्ल्स महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों की ओर से 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा गोद ली गई मलिन बस्ती, लालबाग, नई बस्ती एवं घोसी की गली में आयोजित किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके एवं पुष्प अर्पण करके किया गया। तत्पश्चात स्वयं सेविकाओं द्वारा सरस्वती वंदना, प्रार्थना एवं लक्ष्य गीत प्रस्तुत किया गया। इसके बाद स्वयं सेविकाओं द्वारा योगा का अभ्यास किया गया। 7 दिवसीय शिविर के प्रथम दिन स्वच्छता अभियान के रूप में मनाया गया, जिसमें सभी सेविकाओं ने प्रथम सत्र में बस्ती में नगर निगम की सहायता से झाड़ू लगाकर सफाई करके लोगों को जागरूक किया। तत्पश्चात महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शिफाली अग्रवाल एवं डॉक्टर रेणु शर्मा के निर्देशन में 10-10 स्वयं सेविकाओं की टोली बनाकर एवं पोस्टर के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में समझाया गया। कार्यक्रम के बौद्धिक सत्र में महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने स्वयं सेविकाओं एवं बस्ती के लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करते हुए कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ भारत का सपना देखना चाहिए और इस सपने को पूरा करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को उनकी समाधि राजघाट नई दिल्ली से हुई थी। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत को स्वच्छ बनाना था। प्रधानमंत्री का मानना था कि हमारे भारत का हर एक शहर, गांव, सड़कें, गलियां साफ सुथरी रहें तो हमारे आसपास का वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहेगा और हम लोग कई भयंकर बीमारियों से दूर रहेंगे। इसी कारण हमारे देश में खुशहाली भी आएगी। हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास गंदगी नहीं होती तो हमारा मन अंदर से खुश रहता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए एक विडंबना है कि देश को स्वच्छ करने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। हम खुद के घर के आसपास की सफाई के लिए भी नगर निगम की ओर देखते हैं। हालांकि ये भी सत्य है कि गंदगी भी हम लोगों के द्वारा ही फैलाई जाती है। यदि आप स्वयं अपने घर के कूड़े को कूड़ेदान में डालें, सड़क पर ना डालें तो हमारा स्वच्छ भारत का सपना जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने स्वयं सेविकाओं को संकल्प लेने के लिए कहा कि वे अपने आसपास गंदगी होने से बचाने के लिए सभी को जागरूक करेंगी और खुद भी इसी तरह जागरूक रहेंगी और गांधी जी द्वारा देखे गए सपने को साकार करने में सरकार की मदद करेंगी। तत्पश्चात प्राचार्य द्वारा स्वयं सेविकाओं को शिविर के लिए शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के आगे महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास ने स्वयं सेविकाओं को शिविर की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप लोग शिविर में जो भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं उसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारें, तभी आपका शिविर सफल होगा। उन्होंने कहा कि अपने दिन के कुछ मिनट सफाई को आपको देना चाहिए। यदि आप सबने ऐसा किया तो जल्द ही ये बस्ती साफ हो जाएगी और हमारी स्वयं सेविकाओं का अभियान सफल हो जाएगा। कार्यक्रम के तृतीय सत्र में स्वयं सेविकाओं एवं बस्ती की महिलाओं एवं बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शिविर में शैली, सना, श्रद्धा, अदीना, अमरा, जूबिया, ईशा शर्मा, अदीबा, शिवी, दानिया खान, आफरीन आदि स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये गोकुलदास का है, आज इसका प्रारंभ किया है हमने साप्ताहिक शिविर का, जो 1 तारीख से 7 तारीख तक लगेगा। आज हमारा मेन यहाँ के लोगों को स्वच्छता के लिए मोटिवेट करना और उन्हें सिखाना कि उन्हें अपने आसपास एरिया की कैसे सफाई रखनी है। हमारी बच्चियों ने, जो स्वयं सेविका है, उन्होंने आज यहाँ की सफाई करी और यहाँ के बच्चों को भी बताया कि कैसे वो सफाई करें, अपने आसपास का कूड़ा उठा के कैसे वो डस्टबिन में डालें। तो हमारा मेन एम यही है कि ये जो एरिया है इसे साफ करना और लोगों को जागरूक करना सफाई के प्रति। क्या उद्देश्य रहता है मैडम ऐसे कैंप का? लोगों के अंदर ये जागरूकता पैदा करना कि अपने आसपास के एरिया का सफाई करना या पढ़ाई की ओर उन्हें जागरूक करना या फिर किसी भी चीज़ को। जैसे कल हमारा यहाँ जो सेकेंड डे कैंप है उसमें कैंसर और एड्स के ऊपर हमने जागरूकता के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उस हर एक दिन का हमने अलग अलग कार्यक्रम दिया है जिसमें यहाँ की जो मलिन बस्ती है यहाँ के लोगों के अंदर ये जागरूकता पैदा हो कि अपने देश के लिए और अपने लिए आसपास कैसे सफाई रखें या किस तरह से हम अपने अंदर जागरूकता को बढ़ाएँ।